सभी को नमस्ते। और आज इस कार्यशाला में मौजूद सभी राजानंद संस्थान के अधिकारीगण, सार्वभौमिक मानव मूल्य के अधिकारीगण, रिसोर्स पर्सन, फैकल्टी वॉलंटियर्स, आनंदक एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और यह 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला जो कि दिनांक 14 से 18 जुलाई 2021 के मध्य ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसे राज आनंद संस्थान एवं सार्वभौमिक मानव मूल्य एवं AICT नई दिल्ली के संयुक्त प्रयासों द्वारा की जा रही है। तो इस कार्यशाला को स्टार्ट करने के पहले, चूंकि ये कार्यशाला एक बार पूर्व में भी राज आनंद संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उस कार्यशाला में हमारे साथ कई सारे प्रतिभागी जुड़े थे और उन प्रतिभागियों में से किसी एक प्रतिभागी से हम उनकी शेयरिंग ले लेते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दीप्ति ठाकुर जी को, दीदी को। दीदी नमस्ते। दीदी आपका स्वागत है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और ये दिस इज माई प्रिविलेज टू बी द पार्ट ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ UHB। पहला जो सेशन मैंने अटेंड किया था वो 26 से, भैया आवाज क्लियर आ रही मेरी? जी दीदी बिल्कुल स्पष्ट है। जी जी धन्यवाद। पहला सेशन मैंने 26 से 30 मई को अटेंड किया था और मैं धन्यवाद देती हूँ राजू लास्थना जी को, अर्गल सर को, इंद्रपाल जी को, सत्या सर को कि इतने अच्छे UHV परिवार का मुझे सदस्य बनाया आपने। और जो मेरे उस समय में इंस्ट्रक्टर थे उमेश जी, कुमार संभव जी, जितेन जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक मोरल वैल्यूज के प्रति जागरूकता कैसे लाना चाहिए उस चीज के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। और मुझे उस कार्यशाला में जब मैंने अटेंड किया था भैया, तो मुझे पहले मुझे क्या लगता था कि मैं और शरीर एक ही है, तो मैं हमेशा अपनी जो फिजिकल फिटनेस है और जितने भी संसाधनों की पूर्ति है उसकी मैं हमेशा ही पुरजोर में लगी रहती थी, हमेशा उसको ही फुलफिल करती थी। लेकिन मैंने ये नहीं जाना था कि जब मैं अपने आप को मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उस शरीर की तृप्ति में एक प्रकार से अपूर्ण हूँ, उसको नर्चर कर रही हूँ लेकिन हैप्पीनेस कहीं भी नहीं है मुझे। लेकिन इस कार्यशाला के बाद मुझ में, क्योंकि मैं पहले से बदलाव तो मुझ में आ रहा था, लेकिन मुझे अभी जब कार्यशाला में मैं अटेंड किया मैंने, तो मुझे समझ में आया है कि जब तक मैं अपनी समझ को विकसित नहीं करूंगी तब तक मैं किसी भी चीज में अपने आप को आकलन जब भी करूंगी तो हमेशा उसको अपने नजरिए से करूंगी, किसी सामने वाले के सामंजस्य से मैं अपने आप को नहीं देख पाती थी। लेकिन उस कार्यशाला के बाद वास्तव में, मतलब मुझ में, परिवार में, मेरे ऑफिस में, स्कूल में, मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए। मैं दूसरों की शंका पे कहीं भी डाउट नहीं करने लगी। अब मैं उनकी योग्यता का आकलन करती हूँ, मैं उनको जानती हूँ, मानती हूँ, पहचानती हूँ, फिर उसका निर्वहन करती हूँ। पहले मैं हमेशा क्या करती थी, किसी को भी जान लेती थी और फिर उसके बाद फिर उनका आकलन करके कि नहीं इनसे नहीं बन पाएगा तो मैं उसी तरीके से उनको लेती थी। या एक जैसे पिछले बार भैया ने एग्जांपल दिया था कि घर में छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं। भैया आवाज आ रही मेरी? हाँ दीदी बिल्कुल जी दीदी आ रही है। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सामने वाले को छोटी छोटी गलतियों के लिए तुरंत ही टोकती रहती हूँ, तो उससे मेरे परिवार के जो रिलेशन थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते थे और कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो था, फ्रस्ट्रेशन जो था, वो मेरे रिश्तों को खराब करता था। पर सेशन के बाद मुझे जो एक एक्सेप्टेंस की जो फीलिंग है उसको मैंने किया है और एक सामंजस्य बनाया है अपने परिवार, अपने रिश्तों में, और उसके साथ ही सुविधाओं को भी मैंने देखा है कि जो मुझ में ज्यादा सुविधाएं, जैसे कोई भी चीज है अगर मुझ में ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है फिजिकल वैल्यूज जो है, जब हम बात करते हैं अभी आगे सेशन में, तो कई चीजें ऐसी होती कि हम अपने घर में आवश्यकता से अधिक रख लेते हैं जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। शायद तृष्णा के कारण भी है कि पुरानी चीजें अलग नहीं कर रहे हैं, या नई चीजों की जहाँ आवश्यकता नहीं है तो दूसरे को देख के शायद हम कर लेते हैं जबकि हमको आवश्यकता उसकी नहीं है। तो इस चीज को भी मैंने समझा कि जहां तक मुझे है अपने आप को एक सामंजस्य बिठा के उन चीजों का तालमेल बनाना है,
तब शायद हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता था भैया कि मतलब मैं कितनी खुश हूँ, मुझे ऐसा लगता था बस मैं इतना ही अपने आप को एवेल्युएट करती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरों को खुश देख पाती हूँ तब शायद मैं खुश हो पाती हूँ। तो वो एक म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है तो वो मुझ में आई है। और एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि पिछले सेशन में जब फर्स्ट डे था भैया तो मुझे ऐसा लग रहा था सत्या जी ने कितना मतलब एक स्कूल का वो प्रेशर टाइप का मुझे लग रहा था कि मुझे 4:30 तक अटेंड करना है और बीच में ब्रेक बहुत कम है, बायो ब्रेक है, लंच ब्रेक है, डाटा खत्म हो जाएगा, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रबल मतलब मेरे दिमाग में थी। पर जब मैंने पहले दिन सुना उन चीजों को तो मुझे लगा कि ये वो चीजें हैं जिन पे मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक्चुअल में हम लाइफ को किस वे में ले जा रहे हैं और एक्चुअल में हमारा गोल कैसा होना चाहिए। तो एक मेरे गोल को डिटरमाइन करने के लिए UHB ने बहुत प्रयास किया है और मैं धन्यवाद देती हूँ। तो सेकेंड डे से जब मेरी लर्निंग चालू हुई तो मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसको मैं अभी आने वाले सेशन में भी डिस्कस करूंगी सभी के साथ कि एक जो म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी है, पहले मुझे लगता था मेरे पास सारी चीजें हैं बस सबसे बड़ी प्रोस्पेरिटी वही है, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरी की प्रोस्पेरिटी है तो शायद वो मेरी प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि एक म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे बदलाव मुझ में आ रहे हैं और सने सने मैं इसमें और आगे बढ़ूंगी। और सभी को धन्यवाद कि इसमें मैं पार्ट में हूँ आपके साथ और मैं बहुत कुछ सीखूंगी आप सभी से इसी अपेक्षा के साथ। थैंक यू, मैं दीप्ति ठाकुर जबलपुर से। थैंक यू भैया। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा जो दिया गया मूल्यांकन है ये सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। और इसी कड़ी में मैं एक और प्रतिभागी जो पिछले सत्र में इस मानव मूल्य सार्वभौमिक मानव मूल्य की जो कार्यशाला है उसे अटेंड कर चुके हैं उनसे भी थोड़ा मूल्यांकन सुनना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लखन लाल असाठी जी को। भैया नमस्ते। जी भैया नमस्ते और सभी को मेरा प्रणाम। मैं जो राजानंद संस्थान के साथ जिस मार्ग पर चल रहा था तो इस कार्यशाला को अटेंड करने के बाद मेरा मार्ग और प्रशस्त हुआ और जो कुछ अंतर्द्वंद अंतर्विरोध थे उनको भी मैं समाप्त कर पाया। खासकर मैं अपने आप में जो मेरी वैल्यू क्या है इसको मैंने पहली बार बड़ी गहराई से समझने की कोशिश की कि व्यक्ति परिवार समाज और प्रकृति इन चारों स्तरों पर मेरी जो भागीदारी है वही मेरी वैल्यू है, वही मेरा मूल्य। तो जब मैं अपने मूल्य को आकलन करता हूं तो पाता हूं कि जो परस्पर पूरकता है या परस्पर निर्भरता है वो उसका संबंध आधार उसका जो आधार है वो मेरे संबंध है और जो मेरे भावों से प्रकट होते हैं। अभी रिसेंटली मैं 6 जुलाई को एक वर्कशॉप कर रहा था ऑफलाइन छतरपुर में ही। राजानंद संस्थान की वेबसाइट पर मुझे लोगों को पंजीयन कराना था। 28 टीचर्स थे सामने बैठे हुए, उनको थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो मेरा भाव कुछ समय बाद ऐसा हो गया जो मुझे बाद में महसूस हुआ कि मुझे लगता था कि ये इतने पढ़े लिखे टीचर्स हैं और ढंग से इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पा। मेरे एक दूसरे साथी थे राजानंद संस्थान के, वो लैपटॉप लेके बैठ गए, उनके भाव अच्छे थे, वो बड़े अच्छे से मदद कर रहे थे। तो ज्यादा टीचर्स उनके पास आगे पहुंच गए, मेरे पास अब कोई नहीं था। तो मैंने इस परस्पर पूरकता और निर्भरता को उस समय समझा कि ये तभी है जब हमारे संबंध अच्छे होते। तो फिर मैंने रियलाइज किया और मैंने जब सेशन शुरू हुआ तो मैंने इसी से शुरू किया कि आज मैं अपने आप को पाता हूँ कि मेरे संबंध आप लोगों से अभी जब पंजीयन के समय ठीक नहीं, मैं अपने आप को इतना आत्मनिर्भर या इस तरह से समझ रहा था कि आपकी निर्भरता से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास कोई नहीं है तो जो वो बात आती है कि क्या बिना संबंधों के आप
सुख और आनंदित रह सकते हैं, आपकी सुख समृद्धि के पीछे भी आपके बेहतर संबंध होंगे। तो वो मैंने उसको महसूस किया। तो इस कार्यशाला से बहुत कुछ सीखने मिला कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए साधनों के साथ साथ संबंधों की बेहतरी जरूरी है और उसके लिए खुद से रिश्ता बेहतर होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा अनिता जैन दीदी को, और दीदी से भी अनुरोध है कि वो अपना मूल्यांकन अगर रख पाए सभी के सामने तो सभी को प्रेरणा मिलेगी। दीदी सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ कि मैं अपना इस पूरे शिविर को मैं किस तरह से देख पाई थी। तो साथियों, जब मैं राजानंद संस्थान से नहीं जुड़ी थी 2018 के पहले, उस समय मैं अपने जीवन में कभी अपने को खुश, कभी ना खुश और कभी खाली सा महसूस किया करती थी, और मुझे ये सारा कुछ सामान्य लगता था क्योंकि मैं अपने आसपास भी सभी को इसी तरह से देख पा रही थी। पर जब मैं 2018 में राजानंद संस्थान से जुड़ी, और जो राजानंद संस्थान का मूल भाव था कि दूसरों को ना देखकर हम पहले खुद को देखें, खुद को जांचें, तो इसने मेरे अंदर बहुत सारा परिवर्तन लाया। और एक तरह से मेरी सभी स्तरों पर, जैसे मेरे स्वयं के स्तर पर, परिवार, समाज और आसपास के परिवेश से मेरी समझ बेहतर हुई और मेरा तनाव कम हुआ। पर फिर भी कुछ न कुछ मन में आ जाता था। कई बार मुझे कुछ प्रश्न अनुत्तरित से लगते थे, कुछ कमी सी लगती थी। परंतु जब मैं मई में UHV शिविर से जुड़ी, और यहाँ जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें, सबसे पहले मैं अगर शुरू करूं तो समझ, संबंध और सुविधा, उसके क्रम को मैं बहुत बेहतर समझ पाई। और इसके साथ मैं समझ पाई कि किस तरह से मैं एक चैतन्य शक्ति के साथ, चैतन्य शक्ति हूं और जड़ शरीर के साथ मेरा सह अस्तित्व क्या है। इस पर मेरी समझ जब बहुत बेहतर हुई तो बहुत सारी चीजों में मेरी स्पष्टता बढ़ी, और मुझे समझ में आया कि मैं बहुत कुछ ऐसा कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरी खुद को लेकर मेरी समझ विकसित बहुत बेहतर हुई। इसी तरह से बहुत सारी चीजें भैया, जो कि आपका इस शिविर में दिया हुआ गया एक भी शब्द मुझे अनावश्यक नहीं लगा, पूरा कंटेंट मुझे बहुत जोड़ा उसने मेरे, बात लंबी ना हो जाए इसलिए संक्षिप्त करते हुए सारी चीजें, योग्यता, चाहना, श्रेष्ठता, सुख दुख, समृद्धि, इन सब चीजों पर मेरी बहुत समझ बेहतर हुई है। हाँ, कंटेंट में कहीं थोड़ा सा अभी मुझे लगता है और स्पष्टता मुझे लगेगी जो इस शिविर से जुड़कर। अब मैं सीधे सीधे बात करूं कि मैं उसको अपने जीवन से जोड़कर कैसे देख पाई, तो मैं बहुत दो छोटी बातें अपनी यहाँ पर रखना चाहूंगी कि साथियों, मुझे हमेशा ये लगता था, जिससे जब ये बात सामने आई कि दूसरे भी मुझे निरंतर सुखी करना चाहते हैं, इस पर मुझे विश्वास है या नहीं, तो मुझे लगा कि मेरे मन में इसको लेकर हमेशा डाउट रहता है। मेरी मेट को लेकर मुझे ये लगता था कि वो मुझे, मेरी बात को ठीक से सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, वो जान के ऐसा कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। परंतु जब मैंने देखा कि नहीं, वो मुझे, जब इस बात पर मुझे विश्वास हुआ कि वो मुझे जान के परेशान नहीं कर रही है, उसकी चाहना तो यही है कि वो मुझे, मेरे काम को पूरा ठीक से करे, पर उस तो उसकी योग्यता में कमी है, और ये जो गैप है, इस गैप को मेरी इरिटेशन और बढ़ा देता है। क्योंकि कई बार मैं कहती थी, तुम समझ नहीं रही हो, तुम परेशान कर रही हो, तुम चाहती नहीं हो, ये सारी बातें इस गैप को और बढ़ाती थी। तो जब मेरा इस पर पूरा जुड़ा, मतलब समझ में आया, तो मुझे लगा कि मुझे कहने के भाव में और स्पष्टता होना चाहिए, मैं और प्रेम पूर्वक अपनी बात वहां तक पहुंचाऊं,
और उसकी बात को भी समझूं कि उसे कहां मेरी बात समझने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से एक बहुत मेरे में बदलाव आया और बहुत बेहतर मेरे और उसके बीच में बहुत एक सही तालमेल शुरू हो गया है। तो एक बात मैं ये रखना चाह रही हूँ। और दूसरी बात एक चीज और हुई थी मेरे साथ कि संबंध पूर्वक जीना है हमें कि विरोध पूर्वक जीना है। इस बात ने भी मेरे मन में बहुत जांचा परखा मैंने। तो मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ है था फरवरी में कि मेरी गलती ना होते हुए भी मेरे अधिकारी ने मेरे विरुद्ध काफी लिखा पढ़ी करी थी और वरिष्ठ कार्यालय तक करी थी। तो मेरे मन में भी इस चीज को लेकर बड़ा विरोध सा था कि मेरी कोई गलती नहीं है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी थोड़ा सा उनको लेकर कहीं एक गुस्सा एक दुख सा बना था। परंतु जब मैं इस शिविर से जुड़ी और शिविर से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मैं इस चीज को संबंध पूर्वक अगर मैं अपने मन में संबंध का भाव रखूं और इस विरोध को मेरे मन में से समाप्त करूं, तो इस बात ने मुझे प्रेरित करा कि मैं बहुत सम्मान पूर्वक विनम्रता से और स्पष्टता से मैंने अपने अधिकारी से कहा कि सर प्लीज आप देखें मैं गलत नहीं हूँ, आप एक बार देखें इस बात को और आप इस बात को समझें कि आपके इतना वरिष्ठ कार्य लिखने के बाद भी मैं चीजों को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं बहुत निष्ठा से अपने कार्य को यहाँ करना चाहती हूँ, चीजों को समाप्त करना चाहती हूँ, इसीलिए आपके इतना करने के बावजूद भी मैंने वरिष्ठ कार्यालय एक पत्र नहीं बढ़ाया और मैं आप ही से निवेदन कर रही हूँ। तो भैया मुझे अब ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बात मैंने उनको लगभग जून फर्स्ट वीक के आसपास कही थी और इससे मेरे और उनके बीच का जो मिसकम्युनिकेशन और एक कहीं कम्युनिकेशन गैप जो क्रिएट हो गया था वो समाप्त हुआ और उधर से भी बहुत सकारात्मक मेरे पास सारी चीजें आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मतलब उस चीज को वो सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है। तो थैंक यू भैया, शायद मेरी बात बहुत लंबी हो गई है, माफी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समय सीमा के कारण बंद करना चाहूंगी। थैंक यू भैया जी, धन्यवाद दीदी।